हेलो स्टूडेंट्स, अगर हम ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध की बात करें तो टोटल 3 टाइप्स में क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पहला होता है पजल फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप पजल। दूसरा होता है पॉइंटिंग फॉर्म। तीसरा होता है कोडेड रिलेशनशिप। इन्हीं तीनों टाइप से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट करेंगे, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। टाइप तो 3 है, लेकिन हम एक ऐसा मेथड यूज करने जा रहे हैं जो तीनों ही टाइप्स में एप्लीकेबल होगा, जिसको हम बोलते हैं फैमिली ट्री मेथड। उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम अभी समझने जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे और यूज करेंगे कंप्लीट डिजिटल कॉन्टेंट, ताकि आप कम समय में इस लंबी क्लास को भी बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय में कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए पीछे एक जनरेशन चार्ट है। जब भी हम ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दो चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा। पहला, जो भी रिलेशंस और लोग दिए गए हैं ये किस जनरेशन के हैं और उनका जेंडर क्या है। अभी जनरेशन क्या है इसको यहाँ पर समझो। आप खुद को यहाँ पर रिज्यूम कीजिए। सेल्फ जहाँ पर लिखा हुआ है स्वयं, ये आप हैं। अगर आपकी पत्नी की बात करी जाएगी, आपके भाई की बात करी जाएगी, आपके चचेरे भाई बहन की बात करी जाएगी, तो हमेशा क्वेश्चन में आपके साथ लिखे जाएंगे। देखिए मैंने लिखा हुआ है भाई, चचेरा, भाई बहन, पत्नी, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, कजिन, आपके साथ ही लिखे गए हैं, क्योंकि इनकी उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं होता है आपसे, इस वजह से इनको आपकी जनरेशन का बोला जाता है। आपकी जनरेशन के हैं, इस वजह से ये लोग आपके साथ ही रखे जाएंगे। बात जब आपके माता पिता की होगी, चाचा चाची, मामा मासी की होगी, अंकल आंट मदर फादर की होगी, क्योंकि ये आपकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर के हैं, इस वजह से इनको हमेशा एक स्टेप ऊपर प्लेस किया जाएगा फैमिली ट्री बनाते समय। जब बात आपके दादा दादी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या नाना नानी की होगी तो उनको हम 2 स्टेप ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये आपके पिता के पिता या माता होते हैं या आपकी माता के पिता और माता होते हैं, इस वजह से ये हमेशा आपसे 2 स्टेप ऊपर आएंगे। सिंपल सा अप्रोच है। अभी देखिए, अगर बात आपके बच्चों की होगी, बेटा हो, बेटी हो, तो ये आपकी उम्र से कुछ छोटे होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के होते हैं, इस वजह से ये आपसे एक जनरेशन नीचे आएंगे। इसी तरीके से कुछ रिलेशन आपकी बहू हो गई, भतीजी, भतीजा हो गया, क्योंकि ये भी आपकी जनरेशन से एक जनरेशन बाद के हैं, तो ये यहाँ पर आएंगे आपसे एक स्टेप नीचे। अगर आपके पोते, पोती, ग्रैंडसन या ग्रैंडडॉटर की बात होगी तो ये 2 स्टेप नीचे आएंगे, क्योंकि ये आपके बेटे के बेटे होते हैं या आपके बेटी के बेटा या बेटी होते हैं, इस वजह से ये 2 स्टेप नीचे आएंगे। सिंपल सा अप्रोच है, जनरेशन चार्ट है। ऐसे ही हम सारे रिलेशंस को प्लेस करने वाले हैं। तो ये बात हो गई जनरेशन की। अभी हम बात करते हैं जेंडर की। तो जेंडर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पर दादा दादी, रमेश, दिनेश, सीता, गीता करके क्वेश्चंस रेयरली पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा ए बी सी एल एम, ऐसे करके दिया जाएगा, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल। तो देखिए, जब भी कभी मेल आएगा, जैसे दादा है कोई, ए ग्रैंडफादर है, तो हम उसको ट्राइंगल से मार्क कर लेंगे। मेल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा, मेल को हम पूरी क्लास में ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो फीमेल होगी, जैसे नानी है, फीमेल हैं, तो इनको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सी बात है, मासी हैं, सर्किल कर देंगे, चाचा हैं, ट्राइंगल कर देंगे, भाई है, ट्राइंगल कर देंगे, पत्नी है, सर्किल कर देंगे। सिंपल सी बात है, वाइफ सर्किल हो जाएगी क्योंकि वो फीमेल है, भाई ट्रायंगल हो जाएगा क्योंकि वो एक मेल है। इस अप्रोच को हम लाने वाले हैं। सो अभी हम अपने कॉन्सेप्ट क्लास को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे, ताकि आप क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकें। पहले कुछ छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होंगे। एम इज फादर ऑफ एन, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर इसको हमें लिखना है एम फादर है, तो डेफिनेटली ये ऊपर आएगा, जो हमने अभी जनरेशन चार्ट समझा। फादर है तो जेंडर भी कंफर्म है कि ये मेल है, किसका है, एन का है, तो एन नीचे आएगा क्योंकि ये बेटा है। और जब भी पिता पुत्र कंफर्म हो जाएं, तो मैं ये बोलूँगा कि एक ऐसी लाइन खींच दीजिए ताकि पता चल सके कि यही पिता है। क्यों, क्योंकि जब आप साथ में मान लीजिए चाचा को प्लेस कर देंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन पिता है कौन चाचा है। तो पिता माता जब भी आ जाएं,
लाइन में एक के ऊपर एक रखिए और एक छोटी सी लाइन खींच दीजिए ताकि कंफर्म हो सके। ओके, अभी देखिए, एम इज मदर ऑफ एन। एम क्या है? मदर है, एम मदर है, जेंडर भी कंफर्म है इसलिए मैंने सर्किल कर दिया। माँ है इसलिए ऊपर रहेगी, एन की माँ है, एन का मुझे जेंडर अभी कंफर्म नहीं है इसलिए ना मैं इसमें ट्रायंगल कर रहा हूँ ना सर्किल कर रहा हूँ। मदर है तो एक छोटी सी लाइन खींच दिया, जो मैंने अभी बताया कि माता पिता अगर कंफर्म हो जाते हैं तो जस्ट एक छोटी सी लाइन खींच दीजिए। ओके, एम इज द सन ऑफ एन। अभी एम जो है वो सन है, सन मतलब जेंडर कंफर्म है इसलिए मैंने ट्रायंगल कर दिया। किसका है? एन का है। अभी ये माता है कि पिता ये मुझे नहीं पता, लेकिन जनरेशन पता है कि माता या पिता कुछ भी हो तो ये ऊपर ही आएगा। इससे एक मैंने छोटी सी लाइन खींच दिया कि एन चाहे माता हो या पिता हो किसका है? एम का है। ओके, अभी देखिए, एम एंड एन आर ब्रदर्स, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एम ब्रदर्स हैं दोनों तो इनका जेंडर भी कंफर्म है, एम और एन सेम जनरेशन के हैं, इस वजह से एक ही लाइन में ये रखे जाएंगे। सिंपल सा अप्रोच है। एम इज द सिस्टर ऑफ एन। एम जो है सिस्टर है, जेंडर भी कंफर्म है इसलिए मैंने सर्किल कर दिया क्योंकि फीमेल है। सिस्टर किसकी है? एन की है। सेम जनरेशन के हैं इसलिए बगल में लिखूंगा। अभी क्या है? एन का मुझे जेंडर कंफर्म नहीं है, आगे कुछ और बोला है। एन इज द ब्रदर ऑफ एम, अभी जेंडर कंफर्म हो गया कि एन जो है एम का भाई है, तो ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है। अभी बात देखो, यहां पर एम एन की पत्नी है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एम जो है पत्नी है, फीमेल है इसलिए सर्किल कर दिया। किसकी है? एन की है। तो लो, सेम जनरेशन के हैं इसलिए अगल बगल आएंगे। पत्नी है, आपको यहाँ जेंडर नहीं दिया गया है लेकिन इनकी पत्नी है तो अंडरस्टूड है कि ये मेल ही होंगे, इस वजह से इनको ट्रायंगल में कर दीजिए। अभी एक बात ध्यान से देखो, एम एन ये भाई बहन है, ये पति पत्नी है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्या? यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जब भी पति पत्नी आएंगे तो बीच में एक प्लस साइन जरूर मार दीजिए। प्लस साइन का मतलब है कि जो दो लोग आपस में हैं ये पति पत्नी हैं। अगर प्लस साइन नहीं लगा हुआ तो आप समझेंगे कि ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, सेम जनरेशन के हैं इसलिए एक साथ लिखे गए हैं। जहाँ पर माता पिता जनरेशन गैप था, हमने ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से प्लेस किया। अभी कुछ कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। अभी देखिए, एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ एन। एम एन के चाचा हैं, इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, तो एन नीचे आएंगे जनरेशन के हिसाब से। एम कौन है? उनके चाचा हैं, तो उनके पहले वाली जनरेशन के हैं एम, ये हो गए चाचा। मेल है तो ट्रायंगल कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज होना पड़ेगा कि ये चाचा हैं या पापा हैं। तो चाचा को रिप्रेजेंट कराने का सही तरीका ये नहीं है। आप पहले बनाएंगे एन, एन के बनाएंगे पिता, जिनको छोड़ देंगे ब्लैंक, ये पता नहीं है। इन पिता के बगल में आप बिठा देंगे एम को। अभी कंफर्म हो गया कि एन के जस्ट ऊपर जो है यह पिता, पिता के बगल में जो मेल बैठा हुआ है वो डेफिनेटली उनका भाई है। तो एम कौन हो गया? एन का चाचा हो गया। ये चाचा को रिप्रेजेंट कराने का सही तरीका है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैटर्नल अंकल। अभी हम मामा को रिप्रेजेंट कराते हैं। तो अगर आपको मामा को रिप्रेजेंट कराना है जो है एन, तो पहले एन को बनाइए, एन के ऊपर उनकी माँ को बनाइए और माँ के बगल में उनका भाई बना दीजिए। तो मां का भाई हो गया आपका मामा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैटरनल अंकल। सिंपल सा अप्रोच है। अभी एम इज द ग्रैंडफादर ऑफ एन। एम जो है बाबा हैं, दादा हैं, किसके? एन के। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे? देखिए, पहले एन बनाइए, एन के पिता बनाइए जो आपको पता नहीं है, ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर पिता के पिता बना दीजिए जो है एम। तो ये हो गए ग्रैंडफादर, किसके? एन के। ग्रैंडफादर या दादा को रिप्रेजेंट कराने का तरीका ये है। अगर नाना को रिप्रेजेंट कराना है तब कैसे करेंगे? देखिए, पहले एन बनाइए, एन के ऊपर उनकी मदर बना दीजिए, फिर मदर के पिता एम बना दीजिए। तो ये कौन हो गए? नाना हो गए, किसके? एन के। एन की मदर के पिता, ये नाना हो गए। तो हमने सीखा दादा को रिप्रेजेंट कराना, नाना को रिप्रेजेंट कराना, यहाँ पर ग्रैंड मदर को रिप्रेजेंट कराना है, एन की ग्रैंड मदर को। तो पहले एन बनाइए, उसके ऊपर पिता बनाइए एन के जो आपको पता नहीं है, फिर पिता की माँ ये आपने बना दिया एम। एम क्या है? ग्रैंड मदर है, दादी है। तो ये दादी को रिप्रेजेंट कराने का तरीका है। अगर नानी को रिप्रेजेंट कराना है तो
पहले एन बनाइए, एन की माँ बनाइए, माँ की माँ नानी होती है, एन की माँ, माँ की माँ, ये नानी हो गई। तो ये है नानी को रिप्रेजेंट कराने का सही तरीका। अभी स्ट्रेट वे अपने क्वेश्चंस लेते हैं और टाइप वन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहला क्वेश्चन है जो रिलेटेड है पजल फॉर्म से, प्री लेवल का प्रश्न है, इसके बाद हम मेंस लेवल का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है ए इज द फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन। ए सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है। ए जो है वो सी का पिता है, पिता है तो मेल है, इस वजह से मैंने ट्रायंगल प्लेस कर दिया। किसका पिता है? सी का है। अभी मुझे सी का जेंडर कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है सी उसका पुत्र नहीं है। सी पुत्र नहीं है तो कौन होगा? डेफिनेटली एक फीमेल ही होगी, डॉटर है, ये आपको समझना है। चूंकि ये पिता है तो मैंने आपको बोला था एक लाइन प्लेस कर दिया कीजिए। ओके, अभी क्या बोलते हैं कि ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई सी की पुत्री है, ई जो है सी की पुत्री है। ई का जेंडर आपको कंफर्म है क्योंकि ये डॉटर है, इनकी डॉटर है, एक लाइन आप प्लेस कर दीजिए। जनरेशन के हिसाब से मैं प्लेस करता जा रहा हूँ, बच्चों को नीचे और पिता माता ऊपर आते जाएंगे। एफ ए पति पत्नी हैं, एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, एफ जो है ए की पति पत्नी है, तो ये इधर इसके साथ जनरेशन में आएंगी। पत्नी है तो डेफिनेटली ये मेल है तो ये फीमेल ही होंगी। पति पत्नी में एक का भी जेंडर आपको पता है तो दूसरे का ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाता है। पति पत्नी है तो मैंने प्लस प्लेस कर दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी यहां पर है, बी जो है इनके भाई हैं, तो इनके साथ प्लेस कर देंगे और एक ट्रायंगल हमने मार्क कर दिया, तो ये रिप्रेजेंटेशन है भाई बहन का। ओके, तो बी के भी पिता कौन हो गए? ये हो गए। अभी देखिए डी बी का पुत्र है, डी जो है वो बी का पुत्र है, तो यहां पर डी आएगा, बी के नीचे पुत्र है तो हमने ट्रायंगल प्लेस कर दिया, एक लाइन लगा दी, कंफर्म हो गया कि डी के पिता बी हैं। ओके, जी बी पति पत्नी हैं, बी यहां पर है, जी इनकी पत्नी है, ये मेल है तो ये क्या हो गए? ऑटोमेटिक फीमेल हो गए, पति पत्नी है तो प्लस कर दिया मैंने। ओके, एच जी का पिता है, एच इज फादर ऑफ जी, तो अभी देखिए जी कहां है? यहां है, एच जी का पिता है, एच जो है ये पिता है किसके? जी के, एक लाइन यहाँ खींच दीजिए। ये फैमिली ट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अभी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये देखिए, डी की दादी कौन है? कहने का मतलब डी के पिता की माँ, वही दादी होंगी, डी के पिता की माँ उसकी दादी होंगी, डी यहाँ पर है। डी के पिता कौन है? बी। बी की माता कौन है? एफ। तो डी की दादी होंगी एफ, डी के पिता की माँ। सिंपल फैमिली ट्री में दिख रहा है, ये फायदा होता है फैमिली ट्री बनाने का। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। एफ का पुत्र कौन है? एफ कहाँ पर है? एफ ये है, एफ और ए पति पत्नी है, ठीक है, तो एफ की डॉटर सी है और सी का भाई, कहने का मतलब बी जो है ये एफ का पुत्र है। सिंपल सर अप्रोच रहेगा फैमिली ट्री में, आपको कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया जाए बहुत आसान होता है पता करना। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन इन पजल फॉर्म, अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिए। ए इज द सन ऑफ बी, जैसा बोला जा रहा है बस वैसे करते जाइए। ए इज सन, सन आपको जेंडर पता है तो हमने ट्राइंगल पर मार कर दिया क्योंकि ये लड़का है। ओके, सन ऑफ बी, अब ये बी माँ भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, लेकिन जो भी है रहेगा ए के ऊपर ही क्योंकि इससे पहले की जनरेशन का है। माँ या पिता जो भी हो, अंडरस्टैंडिंग के एक लाइन खींच दीजिए। ओके, ये चीज पूरी हो गई। अभी सी की बात हो रही, सी बी सिस्टर, सी जो बी की बहन है, बी की बहन, सी बहन है, फीमेल है, इसलिए सर्किल कर दिया मैंने। अभी सी का और स्टेटमेंट क्या है? हैज ए सन डी एंड डॉटर ई, सी का एक सन डी है, सन है, जेंडर कंफर्म है, इस वजह से ट्रायंगल में आ गया, लड़का है, एक लड़की भी है सी के, तो यहां पर हमने कर दिया सर्किल, डन। ओके, लाइनें खींच दी क्योंकि सी जो है मदर है। ओके, और देखिए अभी क्या बोला जा रहा है,
एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी, एफ डी का मामा है, डी यहां पर है तो डी का मामा कहां पर प्लेस किया जाएगा, मामा होता है मदर का भाई, तो डी की मदर है सी तो मदर का भाई यहां पर प्लेस होगा, एफ इनका जेंडर कंफर्म है मामा है तो यहां पर प्लेस हो गए। अभी क्वेश्चन देखिए क्या पूछे जा रहे हैं, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए के बारे में पता करना है डी से कैसे रिलेटेड है, ए यहां पर है डी यहां पर है। अभी ध्यान दीजिए, ए और डी में रिलेशन, कहने का मतलब ए का रिलेशन डी से एस्टेब्लिश करना है, ए का अगर मान लीजिए ये मदर है, अभी तो हमें पता नहीं है कि मदर है या फादर है, ए की मदर मान लेते हैं ये मदर है, तो मदर की बहन का लड़का आपका क्या होगा, कजिन होगा, आपकी मां का बहन का लड़का आपका कजिन होगा। अगर मान लीजिए ये पिता हैं तो पिता की बहन का लड़का भी आपका कजिन होगा, चचेरा भाई कन्फर्म है, चाहे ये माँ हो या पिता हो, ये जो भी होगा ये आपका कजिन होगा, नो प्रॉब्लम। तो पहले का आंसर कन्फर्म है कि ये कजिन है, ए से डी का रिश्ता कजिन का है, चचेरे भाई का है। अभी देखिए ई एफ से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई देखिए कहाँ है, ई यहाँ है, एफ कहाँ है, एफ यहाँ है, ओके तो ई के बारे में बताना है कि ई कौन है एफ की। अभी ध्यान से देखिए, एफ ई की मदर का भाई ये है, तो बहन की लड़की कौन हुई भाई साहब, बहन की लड़की भतीजी हुई, भतीजी, बहन की लड़की भतीजी, कहने का मतलब नाइस, एन आई ई सी ई, भतीजी। ई जो है एफ की भतीजी है, पहले वाले पे फोकस करना है, बाद वाले पे नहीं, पहले वाले का रिलेशन निकालना है, ई ई का रिलेशन एफ से क्या है, एफ का रिलेशन नहीं पूछ रहा है ई से, ओके तो ई जो है एफ की भतीजी हुई। अभी देखिए एफ के कितने भतीजे हैं, हाउ मैनी नेफ्यूज डज एफ हैव, एफ यहां पर है, एफ के भतीजे निकालने। अब देखो एफ की ये जो बहन दिख रही है इसके कितने लड़के हैं, भतीजे कौन होते हैं, मेल, मेल देखना है, भतीजी नहीं, तो बहन के लड़के कितने हैं, ये तो क्लियर बहन दिख रही है, इसका एक लड़का ये दिख रहा है। अब देखो ये बी जो है या तो एफ का कौन है, भाई है या तो बहन है, भाई है तो भी ये भतीजा है, बहन है तो भी ये भतीजा है, कहने का मतलब एक भतीजा और, टोटल कितने भतीजे हैं, 1+1 2, तो एफ के जो भतीजे हैं वो हैं 2। ये सिंपल सा आंसर है इस क्वेश्चन का, अच्छा प्रश्न था, ध्यान से कीजिए। अभी बढ़ते हैं एक और प्रश्न पे, मेंस लेवल का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से करेंगे। ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, मेन स्टेटमेंट आपका ये हो गया कि 6 सदस्य हैं एक फैमिली में, ये दिए गए हैं। अभी पहला स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल्स, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है, कहने का मतलब मेल्स कितने हो गए 3 और फीमेल्स भी हो गई 3, टोटल 6 मेंबर हैं परिवार में, पहला स्टेटमेंट में ये बोला गया कि जो मेल फीमेल है उनकी संख्या बराबर बराबर है, तो 3 मेल हो गए 3 फीमेल हो गए, सिंपल सी बात है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, ए और ई एफ के पुत्र हैं, ए ई पुत्र हैं तो ट्रायंगल से मार्क कर दीजिए, किसके हैं एफ के हैं, एफ का जेंडर आपको नहीं पता है अभी कि एफ मदर है या फादर है, बस इतना पता है ए और ई लड़के हैं एफ के, ओके। थर्ड स्टेटमेंट में चलते हैं, डी इज द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, डी 2 बच्चों एक लड़का और एक लड़की की माँ है, अभी डी यहां तो कहीं है नहीं तो अलग से बनाना पड़ेगा, लेकिन इतना पता है कि ये जो डी है ये मदर है, मदर है किसकी, 2 बच्चों की, 2 बच्चों में से एक लड़का है एक लड़की, आपको यह नहीं पता कौन लड़का कौन लड़की, कुछ दिया नहीं गया है, बस इतना पता है कि डी जो है एक मदर है एक लड़का और एक लड़की की, तीसरे स्टेटमेंट का मतलब यह हुआ। चौथा स्टेटमेंट, बी इज सन ऑफ ए, बी ए का पुत्र है, तो बी नीचे आएगा ए के नीचे आएगा, पुत्र है जेंडर पता है, तो आपने ऐसे कुछ मार्क कर दिया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी ए से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। सी आपको कहीं दिख ही नहीं रहा, आपको ये 2 ट्रीज
क्लब करने हैं तभी एक फाइनल फैमिली ट्री बन पाएगी, और सी जो दिख नहीं रही उसको आपको ए से रिलेट करना है। तो क्वेश्चन ये कैसे होगा? देखो, सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है कि मेल्स की संख्या फीमेल्स के बराबर है, जो है 3-3। ध्यान से देखो, आपको 3 मेल्स तो ये दिख रहे हैं, ए, ई और बी। अगर ये 3 मेल्स यहाँ दिख रहे हैं तो इनके अलावा जो भी है, 3 बचे ना, वो फीमेल ही हैं। एक फीमेल ये डी दिख रही है, ये जो एफ है ये 100% फीमेल ही है। फीमेल क्यों है? क्योंकि 3 मेल के अलावा चौथा मेल नहीं हो सकता, तो एफ एक फीमेल ही है। एफ मदर है ए और ई की। अभी बात ध्यान से समझो, ए और ई की मदर अगर एफ है, ए और ई लड़के हैं, इनकी मदर अगर एफ है, तो ए और ई यहां पर नहीं आ सकते। डी का लड़का नहीं हो सकता है ए या ई में से कोई भी। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनकी माँ तो एफ है, इनकी माँ डी कैसे हो जाएगी? तो बचा कौन? एक मेल बचा इनके अलावा, वो है बी। तो यहां पर आएगा 100% बी। एक तीसरा लड़का जो है, तीसरा मेल जो है, वो डी का लड़का होगा 100%। अब ध्यान से देखो, अगर बी यहां पर है, कहने का मतलब बी ए का लड़का है, ओके, और ये जो बी है ये डी का भी लड़का है, तो ए और डी आपस में क्या हुए? पति पत्नी हुए। तो डी को आप यहां प्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे भाई, बी ए का लड़का है जो पुरुष है, बी डी का भी लड़का है जो फीमेल है, तो ए और डी आपस में पति पत्नी हुए ना, मैंने बस इनको उठा के इनके पति के बगल में बिठा दिया और कुछ नहीं किया। अभी कितने लोग दिखने लगे? ए बी डी ई एफ। दिख कौन नहीं रहा? सी। बस यही सी हैं जो दिख नहीं रही हैं। और ये सी कौन है? ये बी की बहन जी हैं। तो बहन जी को भी उठा के यहाँ पे बिठा दो, दिक्कत क्या है? बहन जी तो हुई यहां जो बी के बगल में बैठी हुई हैं। तो ये ट्री कंप्लीट हो गई आपकी फैमिली ट्री। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सी ए से किस प्रकार संबंधित है। क्लियरली दिख रहा है सी कौन है? ए की लड़की है, डॉटर, दैट्स ऑल। अच्छा प्रश्न था, अच्छे से कीजिए। अभी चलते हैं टाइप टू पर, वहां पर हम करेंगे पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन। ये देखिए, पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, पहला हो सकता है डायरेक्ट, दूसरा हो सकता है इनडायरेक्ट। आसान भाषा में पहले अंतर समझो। पॉइंटिंग टू अ वोमेन ए मैन सेज, पॉइंट आउट वाले क्वेश्चन होते क्या हैं? एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देख के कोई स्टेटमेंट देता है। व्यक्ति को देख सकता है, किसी पिक्चर को देख सकता है, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर पार्ट्स क्या क्या है? ये व्यक्ति है जो स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। और ये पॉइंट आउट किसको कर रहा है? इस वूमेन को कर रहा है। ये व्यक्ति इस वूमेन को पॉइंट आउट कर रहा है, और यही वूमेन इस सेंटेंस की शुरुआत कर रही है सी। इसी वूमेन के बारे में ही बात हो रही है यहां पर। जब इस सेंटेंस की शुरुआत इसी वूमेन से होगी, तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन कहा जाएगा, डायरेक्ट का हो गया। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन, ये जो व्यक्ति है पॉइंट आउट तो इसको करे, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत इससे न करके मान लीजिए इसके फादर से कर दे, हर फादर इज द, हर फादर इन लॉ इज द, तो उन क्वेश्चंस को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म के क्वेश्चंस। बस अंतर इतना ही है। कैसे करेंगे इस बात को समझते हैं। देखो, पहले मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूं। पहले हम इनमें करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग करते समय हम ढूंढते हैं माई या मेरे शब्द। जो व्यक्ति बोल रहा है इसी से हम नंबरिंग की शुरुआत करते हैं। और जिस व्यक्ति के बारे में बात करी जा रही है, यहाँ पर जो व्यक्ति है, इस पे जाके नंबरिंग ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति कौन है? सी इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ है। कहने का मतलब ये सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉटर इन लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो नंबरिंग है वो डॉटर इन लॉ पे आके ख़त्म होगी। कैसे करेंगे इस बात को ध्यान से समझो। पहले हिंदी में नंबरिंग करते हैं। पुरुष है, महिला है, एक पुरुष है एक महिला की ओर इशारा कर रहा है। सेंटेंस की शुरुआत वह इसी महिला से हो रही, तो डायरेक्ट फॉर्म का प्रश्न हो गया। अभी हम नंबरिंग करने जा रहे हैं, नंबरिंग के बाद ट्री बनाएंगे। नंबरिंग में मैंने बताया सबसे पहले ढूंढो मेरे या माई शब्द कहाँ है। हिंदी में शुरुआत में ही मिल जाता है, तो मेरे को दे दो पहला नंबर। उसके बाद जितने भी रिश्तेदार दिखते हैं सबको नंबर देते चले जाइए लाइन से, बाएँ से दाएँ की तरफ हिंदी में देना है। मेरे को पहले दे दिया, बेटे को दूसरा दे दिया, बेटे के पिता को तीसरा दे दिया,
पिता के पिता को चौथा दे दिया, इकलौती बहू बहू को पांच दे दिया। खत्म बात, नंबरिंग हो गई। अंग्रेजी में भी देखिए माई शब्द कहाँ दिख रहा है, मेरे का अंग्रेजी में माई ही होगा ना, लास्ट में दिखेगा ये अक्सर, तो माई, माई को पहला दे दिया। माई के बाद अगर कोई रिलेशन दिखता है तो उसको दे दीजिए पहले दो, इसको दो दे दीजिए। अभी पीछे आते हैं, माई से पहले क्या दिख रहा है, फादर दिख रहा है, इसको तीसरा दे दिया। जितने भी अंग्रेजी में रिश्तेदार हैं ये सब ऑफ से अलग होते हैं, बहुत आसान है पहचानना। फिर देखिए ऑफ यहाँ आ गया, ये फादर दिख गया, इसको चौथा दीजिए। फिर ऑफ दिख गया, डॉटर इन ला दिख गई, पांच। ओके, अभी ट्री बनाएंगे। ट्री किससे बनना शुरुआत होगी, एक नंबर से। एक नंबर है कौन, मेरे, मेरे कौन था, ये मैन था। ओके, तो इसको दे देते हैं एक नंबर, और ये था मैन, इस वजह से बना दिया हमने ट्राइंगल, और ये है हमारा मैन। अभी देखिए इसके बाद क्या है, दो नंबर, दो नंबर है बेटा, एक का बेटा दो, तो ऐसे कुछ बनेगा, ये दो नंबर हो गया, ये इसका बेटा हो गया। तीन नंबर कौन है, बेटे के पिता, इसके पिता, दो के बाद तीन नंबर कौन है, इसके पिता, इसके पिता, तो यही हो गया। तो ये एक और तीन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीन के बाद कौन है, इसके पिता, इसके पिता, चार नंबर, तो इसके पिता कहां आएंगे, ऊपर आ जाएंगे, चार नंबर ये हो गए। अब पिता की इकलौती बहू, इकलौती बहू कौन होगी, इसका लड़का ये है, तो बहू ये आ गई, इसका नंबर हो गया पाँच। मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर शुरुआत हमेशा उससे होती है जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा होता है, और समापन उस पे होता है जिसके बारे में बोला जा रहा होता है यहाँ पर। और ये सी कौन है, यही डाटा रिनला है, तो देखिए इस पर बात खत्म हो गई। ये है वुमेन, ये है वुमेन। बेसिकली हमें सबको मार्क करना होता है ट्री में। मैन यहाँ मार्क हो गया, वुमेन जो थी यहाँ पे आ गई, बाकी सारे रिश्तेदार भी आ गए। अभी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। स्त्री यहाँ आ गई लास्ट में पांच नंबर, मैन क्या है यहाँ पर है, स्त्री कौन है इस पुरुष की, पत्नी है, वाइफ, दैट्स ऑल। अभी अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। ये देखिए पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड सेकेंड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्म पे पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ वोमेन ए मैन सेज, मैन बोल रहा है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है, वोमेन को पॉइंट आउट कर रहा है। सेंटेंस की शुरुआत देखिए कैसे हो रही, सी इज द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन। कहने का मतलब इसी औरत के बारे में ही बात करी जा रही, सी वर्ड इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से डायरेक्ट फॉर्म का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है, हाउ इज द वोमेन्स फादर रिलेटेड टू मैन। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, वो मेरे बेटे के दादा की पत्नी की बेटी है, तो महिला के पिता का पुरुष से क्या संबंध है। मैंने आपको बताया कि आपको नंबरिंग कर देनी है, हिंदी में नंबरिंग सबसे आसान होती है। मेरे, माई वर्ड आपको पकड़ना है, पहले, पहला वो हो गया, फिर उसके बाद में बाएं से दाएं नंबरिंग करते जाइए। फिर बेटा दिखा, दो हो गया, बेटे के दादा दिखे तीन, पत्नी दिखी चार, की बेटी पांच, ये नंबरिंग हो गई। अंग्रेजी में अगर करनी है तो आप माई वर्ड पकड़िए, लास्ट में ही दिखेगा वन। अगर उसके बाद कोई रिश्ता है तो उसको पहले मार्क कर लीजिए, माई के बाद सन दिख रहा है तो दूसरा हो गया। अभी माई से पहले आइए, ऑफ से सारे सेपरेटेड होंगे। ग्रैंड फादर दिख गए तो इनको दे दीजिए तीन नंबर, वाइफ दिख गई इनको दे दीजिए चार नंबर, फिर कौन दिख गया, डॉटर दिख गए इनको दे दीजिए पांच नंबर। अभी शुरुआत कर दीजिए एक नंबर से, एक नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बोल रहा है, यहां मैन है तो मैन हो गया एक नंबर पे, मैन हो गया एक नंबर पे जो स्टेटमेंट दे रहा है। मैंने आपको बताया ट्री शुरुआत में किससे करेगा, जो स्टेटमेंट दे रहा है, शुरुआत वहां से होगी, और खत्म कहां पे होगा, जो व्यक्ति यहां पे है, और यहां पे कौन है, डॉटर, यही है, सी इज द डॉटर, तो सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर को। तो ये जो सेंटेंस है ये फैमिली ट्री खत्म होगा डॉटर पे। अभी शुरुआत करते हैं एक के बाद, बेटा, इसका बेटा कहां बनेगा, यहां पे बनेगा, ठीक है, ये है दूसरा नंबर। फिर बेटे के दादा, बेटे का दादा कौन होगा, बेटे के पिता का पिता, दादा यहां पे आएगा, इसको नंबर देना है तीन, ठीक है। फिर दादा की पत्नी, दादा की पत्नी, तो इनकी पत्नी, इनको हमने दे दिया चार नंबर। पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी कौन होगा, ये पति पत्नी है तो बेटी यहां पे बैठ जाएगी, ओके।
बेटी इसकी बहन होगी ना, इसको देना है 5 नंबर। 5 नंबर हमने दे दिया। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि महिला के पिता का पुरुष से क्या संबंध है, महिला कौन है। मैंने बताया जो लास्ट नंबर आता है वही रिप्रेजेंट कर रहा है जो ये है, और ये कौन है, महिला, यही डॉटर है। तो ये हो गई महिला, महिला या वुमेन जिसके बारे में बात करी जा रही है। ये पूछा जा रहा है महिला के पिता, महिला के पिता हैं ये, इनका रिलेशन बताना है किससे, पुरुष से, पुरुष था ये जिससे आपने शुरुआत करी थी ये, तो ये कौन है, इसके पिता हैं, पुरुष के पिता हैं, फादर, सिंपल और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। डायरेक्ट फॉर्म से रिलेटेड एक प्रश्न और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर देखिए, ए वोमेन सेज, यहां पर एक औरत बोल रही है, किसको पॉइंट कर रही है, एक मैन को पॉइंट कर रही है। पॉइंटिंग टू ए मैन ए वोमेन सेज, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, महिला कह रही है, इशारा पुरुष की ओर कह रही है। अब स्टेटमेंट देखिए, यह महिला देगी, क्या दे रही, ही इज द हस्बैंड, कौन ही, यही, इसी व्यक्ति के बारे में ही बात करी जा रही है, ही आ गया, इस वजह से ये डायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। जिसको पॉइंट आउट किया जा रहा है वही स्टेटमेंट की शुरुआत कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट है। ओके, तो वोमेन सेज ही इज द हस्बैंड ऑफ द मदर ऑफ माई सन्स फादर, फिर इसका उत्तर देना है आपको। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग कर देनी है, मेरे ढूंढिए हिंदी में, माई ढूंढिए अंग्रेजी में, मेरे 1 नंबर, फिर बेटे 2 नंबर, बेटे के पिता 3 नंबर, फिर दिखी माँ 4 नंबर, पति दिखे 5 नंबर, आगे कुछ तो है नहीं। अंग्रेजी में कैसे करना है भाई, माई ढूंढिए, माई यहाँ पर है 1 नंबर, एक के बाद अगर कुछ दिख रहा है दाहिनी तरफ तो उसको पहले मार्क कर लीजिए, माई के बाद सन दिख रहा है तो 2 नंबर, सन के फादर दिख रहे हैं तो 3 नंबर, फिर वापस आ जाइए, फिर क्या है, मदर दिख रही है 4 नंबर और ये हस्बैंड दिख रहे हैं 5 नंबर, एक से शुरुआत कर लीजिए। एक कौन है, एक वो व्यक्ति होता है माई जो स्टेटमेंट बोल रहा होता है, वुमेन, तो वुमेन हो गई 1 नंबर पे, इसको हमने कर लिया सर्किल चूंकि औरत है। ओके, अभी मेरे रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन को, मेरा बेटा, इनका बना दो बेटा, 2 नंबर पे ये बेटा बन गया, ठीक है, फिर बेटे के पिता, बेटे के पिता बनाने हैं, ये हैं माता तो पिता बनाने के लिए इनका पति बनाना पड़ेगा, बना दिया, ये हैं 3 नंबर, ठीक है, तभी तो हो गए बेटे के पिता, ये हो गए। अब पिता की माँ, अब इनकी माँ बनानी है तो लो माँ बना दिया, माँ है 4 नंबर पे, अब माँ का पति बना दिया, माँ का पति तो ये लो पति बना दिया 5 नंबर। ओके, ये हो गया हमारा ट्री। आपसे पूछा जा रहा है कि महिला का पति पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि शुरुआत वुमेन ने करी थी जिसने बोला, मैंने बताया खत्म सेंटेंस वहां पे होता है जो ये व्यक्ति होता है, ही, ये पुरुष है ना, तो ये पुरुष है व्यक्ति जो था, लास्ट में इस पे खत्म हो गई बात। अब पूछा जा रहा है महिला का पति, महिला का पति, इस महिला का पति, पति कौन है, ये वाला व्यक्ति पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, पुरुष लास्ट में आया जिसको पॉइंट आउट किया गया था, इसका रिलेशन बताना है इससे। तो अब ध्यान से देखिए, ये कौन है, पत्नी है इसकी, पत्नी का बेटा, पत्नी का बेटा तुम्हारा खुद भी तो बेटा हुआ, तो ये जो 3 नंबर है ये 5 नंबर का बेटा हुआ, दैट्स ऑल, सन, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हम बढ़ेंगे अपने इनडायरेक्ट फॉर्म पे, इनडायरेक्ट वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए इनडायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है, कैसा है ध्यान से देखिए, यहां पर पॉइंटिंग टू ए वुमेन ए मैन सेज, मैन बोल रहा है, मैन स्टेटमेंट दे रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है वुमेन को, स्टेटमेंट के अंदर देखिए, इनडायरेक्ट के अंदर बात कहां से शुरू हो रही, हर फादर, इस वुमेन के बारे में बात नहीं शुरू हो रही, सी से बात नहीं शुरू हो रही, इसके रिश्तेदार से, हर फादर से बात शुरू हो रही, उसके पिता से बात शुरू हो रही, इस वजह से ये इनडायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। सिंपली आप नंबरिंग कीजिए, आगे क्या होगा ध्यान से देखते हैं। मेरे से बात शुरू करेंगे 1, दादाजी दिखे 2, पत्नी दिखी 3, इकलौता बेटा दिखा 4। ओके, अंग्रेजी में माई ढूंढ लीजिए 1 नंबर, ग्रैंडफादर 2 नंबर, अभी वापस आ जाइए, वाइफ दिखी 3 नंबर, उसके बाद सन दिखा 4 नंबर। ओके, उसके बाद में नंबर 1 को यहाँ पे लीजिए, नंबर 1 कौन होता है हमेशा, जो व्यक्ति बोलता है, मैन, तो ये हो गया मैन, मैन नंबर 1 पे हो गया, कोई प्रॉब्लम, मैन है तो ट्राइंगल से मार्क कर लिया। मेरे दादाजी, इनके दादाजी, तो दादाजी कैसे बनाएंगे, पहले पिता बना दीजिए, फिर पिता के पिता,
तो दादाजी को दो नंबर पर बिठा दीजिए। दादाजी की पत्नी, तो पत्नी कुछ ऐसे बन जाएंगी, तीन नंबर इनका बन गया। पत्नी का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा तो यही होगा, ये लो चार नंबर पे आ गया। मैंने आपको बताया लास्ट में वही व्यक्ति आता है जिससे सेंटेंस की शुरुआत होती, तो ये आ गए चार नंबर कौन, पिता। किसके पिता हैं ये, इस वूमेन के पिता हैं। अब ये वूमेन कहीं नहीं दिख रही यहां ट्री में, तो इस वूमेन को भी बिठा दीजिए। अभी तक जो डायरेक्ट फॉर्म कर रहे थे वहां पर सब प्लेस हो जाते थे इस ट्री में, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में ये व्यक्ति प्लेस होगा। यहां जो लास्ट में आएगा, चार नंबर तक मार्किंग हुई थी बेटा तक, तो ये बेटा कौन है, जिससे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है वही है फादर। तो ये फादर आ गए यहां पर, फादर हैं किसके, वूमेन के हैं, तो इस वूमेन को भी बिठा लो भैया कहीं पे। ये फादर है तो ये कौन है, पिता है तो ये लड़की है, लड़की कहां पे आएगी, लड़की यहां आएगी। ये लड़का है, लड़का के बगल में लड़की भी बैठ जाएगी, ये है वूमेन महिला। ये पूछा जा रहा है महिला का पुरुष से क्या संबंध है, ये महिला, ये पुरुष था हमारा जिसने कहना शुरू किया, इसका इससे क्या संबंध है, महिला कौन है, इसकी बहन है, सिस्टर, दैट्स ऑल। इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चंस में होता क्या है, बस ट्री जब आप फाइनल कर देते हैं तो जो लास्ट में नंबर आता है, ये सेंटेंस में शुरुआत में जो व्यक्ति लिखा होता है ये आ गया, लेकिन जिसको पॉइंट आउट किया गया है वो नहीं दिखता है। तो रिलेशन के हिसाब से अगर पिता है और ये लड़की थी तो आपने जस्ट बिठा दिया, फिर जो पूछा जा रहा है आपने आंसर दे दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेते हैं पॉइंट आउट फॉर्म से। इनडायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से। पॉइंटिंग टू ए वोमेन ए मैन सेज, ए मैन सेज किसके बारे में पॉइंट आउट कर रहा है, इस वोमेन को, और कहता क्या है, हर मदर इन ला, इसके बारे में बात नहीं कर रहा, इसकी मदर इन ला के बारे में बात कर रहा है। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन हो गया। सिंपली आपको मार्किंग शुरू कर देनी है, हिंदी में कीजिए, इसको छोड़ देंगे, ये तो ऑटो में आ जाता है, मैंने बताया लास्ट में जो नंबर आएगा वो इसी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, बात हम कहां से शुरू करेंगे, मेरे से, एक मेरा बेटा, बेटा का दादा तीन नंबर, इकलौती बहू चार नंबर। अंग्रेजी में कहां से करेंगे, माई ढूंढिए, एक माई के बाद कोई है क्या, सन दिख रहा है तो दो नंबर। अभी वापस आ जाते हैं, ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर दिख रहे हैं, इनको तीन नंबर दे देते हैं। फिर कौन है, डॉटर इन ला, इनको चार नंबर दे देते हैं। सिंपली एक नंबर से बात को शुरू करते हैं, एक कौन है, कौन जो बोल रहा है, मैन सेज, तो मैन हो गया एक नंबर, डन। अभी क्या है, मेरे बेटा, इनका बेटा कर दो, ये लो हो गया दो नंबर में, बेटा हो गया। अब बेटे के दादा, बेटे के दादा, दादा यहां चले जाएंगे, पिता के पिता, ठीक है, ये पहुंच गए तीन नंबर पे। की इकलौती बहू, इनकी इकलौती बहू कौन है, लड़के की पत्नी, यही तो बहू होगी, चार नंबर। और चार नंबर मैंने बताया जो लास्ट वाला है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा जिससे सेंटेंस शुरू होता है, ये सास हो गई, सास या मदर इन ला, जिससे सेंटेंस शुरू होता है वही लास्ट में आ जाता है। लेकिन हिस्ट्री में कौन नहीं आ पाता इनडायरेक्ट फॉर्म में, जिसको पॉइंट आउट किया जाता है, वोमेन। तो है कौन ये वोमेन, इनसे कैसे रिलेटेड है, इनकी ये मदर इन ला है, ये मदर इन ला है इस औरत की, सास हैं। तो सास कौन होती है, सास होती है पति की मां, पति की मां। तो इनको आप कहां बिठाएंगे, यहां पर बिठा दीजिए वुमेन को। तो ये पति, पति की माँ हो गई है, माँ हो गई तो सास हो गई, तो ये आपका ट्री कंप्लीट हो गया। अभी आपसे पूछा जा क्या रहा है कि पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, पुरुष ये था जहाँ से आपने शुरुआत करी थी, इस महिला से कैसे संबंधित है। तो ये पुरुष कौन है, इनके पति का पिता है, तो पति का पति का पिता होता है फादर इन ला, ससुर हिंदी में बोलते हैं। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म का एक बेहतरीन क्वेश्चन था। अभी हम बढ़ेंगे और अपने कोडेड वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो अभी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि कोडेड रिलेशनशिप से संबंधित होंगे। जब भी आपको कोडेड रिलेशनशिप पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उससे पहले आपको कुछ स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। इन स्टेटमेंट्स को देने का मतलब ये होता है कि आप
बीच में दिए गए इन सिंबल्स का मतलब ठीक से समझ लें। यहाँ पर P मल्टीप्लाइड बाई Q लिखा हुआ है, इसका मतलब है P इज द फादर ऑफ Q, P Q का पिता है, P Q का पिता है। तो ये जो सिंबल लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, ये फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको समझाया ये जा रहा है। इसी तरीके से P डिवाइडेड बाई Q का मतलब है P इज द डॉटर ऑफ Q, पी क्यू की पुत्री है। तो आपको बस ये समझना है कि ये जो डिवीजन का सिंबल बीच में लगा हुआ है, ये यहाँ डॉटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से प्लस का सिंबल सिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस का सिंबल हस्बैंड या पति को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पर ये पी क्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेटर्स बदल दिए जाएंगे, लेकिन ये सिंबल्स एग्जिस्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन ये आपको देखने को मिलेगा। आपने समझ लिया इनका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ फादर है, डिवीजन डॉटर है, प्लस सिस्टर है, माइनस हस्बैंड है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम ट्री फॉर्मेट में, जो हम फैमिली ट्री बनाते थे, कैसे, ध्यान से देखो। आपने देखा B मल्टीप्लाइड बाई D, मल्टीप्लीकेशन का मतलब आपने समझ लिया है फादर होता है, कहने का मतलब B इज फादर ऑफ D, B जो है D का पिता है। तो ट्री बनाइए, B पिता है, तो आपने कुछ ऐसा लिख लिया, मेल है, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। पिता है किसका है, D का है, D का जेंडर अभी हमें पता नहीं है, ओके। अभी देखिए डी और एच के बीच रिलेशन, आगे आइए डी और एच की बात करते हैं। सिंबल, सबसे पहले सिंबल देखिए क्या है, प्लस, प्लस आपने देखा प्लस का मतलब है सिस्टर, बहन। तो डी जो है बहन है किसकी, एच की, डी बहन है एच की, बहन मतलब इसका हमें जेंडर पता चल गया, किसकी बहन है, एच की, तो एच बगल में लिख दीजिए। अभी एच का आपको जेंडर नहीं पता है, तो अब वो मिलेगा आपको यहां से। अभी एच और एफ के बीच रिलेशन देखिए, यहां हम बाएं से दाएं की ओर हमेशा चलते हैं कोडेड रिलेशनशिप में, ओके। तो एच डिवाइडेड बाई एफ का क्या मतलब है, केवल आप डिवीजन वाला ये चेक कीजिए, यहाँ पे डिवीजन का मतलब है डॉटर, तो एच जो है डॉटर है किसकी, एफ की। एच अगर डॉटर है एफ की, तो कहने का मतलब एफ क्या है, एफ पत्नी हो गई बी की, तभी तो डॉटर बनेगी ये, बी की डॉटर है, एफ की डॉटर बनाना है, तो ये पत्नी हो गई, ओके। आपसे पूछा क्या जा रहा है, एफ बी से किस प्रकार संबंधित है, एफ बी से किस प्रकार संबंधित है, तो पत्नी है ये, वाइफ, दैट्स ऑल, वाइफ। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, तब तक मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूं, ओके। अभी हमें देखिए यहां पर जी और आर के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे। माइनस का मतलब क्या है, तुरंत देखिए, हस्बैंड, जी आर का हस्बैंड है, तो जी हस्बैंड है तो ट्रायंगल के अंदर आर के हैं, तो प्लस ये वाइफ हो गई, कुछ ऐसा हमने मार्क कर दिया। अभी आर और पी का रिलेशन देखिए क्या है, प्लस, प्लस तुरंत देखिए क्या है, प्लस है सिस्टर, तो जो आर है ये सिस्टर है पी की, आर जो है ये सिस्टर है पी की। अभी आपको P का जेंडर नहीं पता है, लेकिन यह पता चल गया कि जो R हैं ये सिस्टर हैं P की, तो आपने इधर लिख दिया इनके साइड में, क्योंकि सिस्टर हैं। अभी बात कीजिए P और T का रिलेशन क्या है, डिवीजन का मतलब क्या है, डिवीजन का मतलब डॉटर, तो P जो हैं डॉटर हैं T की, P डॉटर हैं किसकी, T की, ओके। अभी देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जी टी से किस प्रकार संबंधित है, जी यहां पर, ये जी इस टी से किस प्रकार संबंधित है, तो टी ये भी लड़की है, टी की, टी की लड़की का पति क्या होगा, सन इन लॉ, दामाद हिंदी में बोलते हैं, सन इन लॉ, जी टी से किस प्रकार संबंधित है, टी की लड़की का पति क्या होता है, सन इन लॉ, दामाद, दैट्स ऑल। बोर्ड को क्लियर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। थर्ड क्वेश्चन अभी देखते हैं, यहां पर M और T के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा, डिवीजन पे आप फोकस करेंगे, डिवीजन का मतलब है डॉटर, तो M डॉटर है T की, M इज द डॉटर ऑफ T, ओके, ये बात हो गई। अभी T और Q के बीच रिलेशन, मल्टीप्लीकेशन पे फोकस कीजिए, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है फादर, तो टी इज द फादर ऑफ क्यू, टी फादर है क्यू का, टी फादर है, तो
तो यहाँ जेंडर पता चल गया टी का, टी इज द फादर ऑफ क्यू, क्यू तो यहाँ पर साइड में आ जाएगा, ये सेम जनरेशन के हुए। अभी आपको क्यू का जेंडर नहीं पता तो क्यू और आर में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कीजिए। माइनस पे फोकस करेंगे, माइनस का मतलब है हस्बैंड, सो क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर, ओके हस्बैंड है क्यू, तो आपको यहाँ इसका जेंडर पता चल गया क्यू, तो ये हो गई वाइफ फीमेल। ओके अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है, क्यू एम से कैसे संबंधित है। आप देख रहे हैं ये लड़की है, ये इनका लड़का है, ये दोनों भाई बहन है, तो क्यू जो है एम का ब्रदर है, भाई, दैट्स ऑल। ओके अभी मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी देखिए यहां पर जो स्टेटमेंट है, यहां पर ये डॉलर हैशटैग एट द रेट परसेंटेज दिख रहे हैं, प्लस माइनस जो आपको पिछले क्वेश्चन में दिख रहा है उसको रिमूव कर दिया गया है, कुछ भी दिया जा सकता है। सो आपको ये समझना है डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर मदर को डिनोट कर रहा हैशटैग फादर को, एट द रेट हस्बैंड को, परसेंटेज डॉटर को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। P से Q के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, हमें लेफ्ट से राइट में मूव करना है। एट द रेट का मतलब समझिए क्या है, एट द रेट हस्बैंड को डिनोट कर रहा है, P है हस्बैंड Q का, P हस्बैंड है इस वजह से मेल, किसका है Q का, ये हो गया स्टेटमेंट पहला। अभी Q और M के बीच डॉलर का मतलब समझिए क्या है, डॉलर मदर, कहने का मतलब ये हुआ Q मदर है M की, Q इज द मदर ऑफ M, M का अभी आपको जेंडर नहीं पता है, Q इज द मदर ऑफ M। अभी देखिए M और T के बीच रिलेशनशिप, तो हैशटैग का मतलब समझिए, हैशटैग फादर, M इज फादर ऑफ T, M पिता है T के, M पिता है तो इनका जेंडर आपको पता चल गया, पिता है किसके, T के। रिलेशनशिप कहाँ पूछा जा रहा है, पी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो आप पी पे फोकस करेंगे, पी का रिश्ता बताना है टी से। ओके तो पी का रिश्ता क्या है टी से, देखिए टी के पिता, पिता के पिता हैं, कहने का मतलब हुए ग्रैंडफादर। इससे मतलब नहीं है कि टी लड़का है या लड़की है, पी हमेशा पिता के पिता रहेंगे तो वो ग्रैंडफादर या बाबा या दादा कुछ भी कहा जा सकता है, आपका आंसर ये हो जाएगा। अब इसको क्लियर करेंगे और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, अभी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, एफ और डी के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, आप फोकस कीजिए एट द रेट पे, एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी, एफ डी के हस्बैंड हैं, हस्बैंड हैं तो मेल हो गए, किसके हैं डी के हैं तो ये फीमेल हो गई। ओके अभी डी और के बीच परसेंटेज पे फोकस कीजिए, परसेंटेज का मतलब है डॉटर, तो डी इज द डॉटर ऑफ के, डी जो हैं वो के की डॉटर हैं, डी के की डॉटर हैं, इतनी बात है। अभी के का हमें जेंडर नहीं पता है, के और एच की बात करते हैं, हैशटैग पे फोकस कीजिए, हैशटैग का मतलब है फादर, के इज द फादर ऑफ एच, के फादर हैं तो इनका जेंडर पता चल गया, मेल है फादर है तो एच यहाँ बगल में आ जाएगा, एच का हमें जेंडर नहीं पता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एफ एच से किस प्रकार रिलेटेड है, एफ एफ के बारे में पूछा जा रहा है, एच से कैसे रिलेटेड है, एच की बहन का पति, एच की बहन का पति, किसी की बहन का पति होता है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हिंदी में बोलते हैं जीजा। ओके दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके अभी हम मूव करेंगे, ये सब क्लियर करते हैं और थर्ड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अभी थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, यहां पर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, पहले जी और एम के बीच रिलेशनशिप, डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है मदर को, तो जी मदर है एम की, जी इज द मदर तो ऊपर आएंगी किसकी है एम की, डन। ओके एम और के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कीजिए, एट द रेट को पकड़िए, एट द रेट क्या है हस्बैंड, कहने का मतलब ये हुआ एम इज द हस्बैंड ऑफ के, एम पति हैं के, एम पति हैं तो इनका जेंडर डिफाइन हो गया, किसके हैं पति के, तो के हो गई फीमेल, हमने कुछ ऐसा लिख दिया। के और एच की बात करते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज डिनोट कर रहा है डॉटर को, के इज द डॉटर ऑफ एच, के एच की डॉटर हैं, के डॉटर हैं किसकी, एच की,
एच का जेंडर हमें नहीं पता है, एम एच से किस प्रकार संबंधित है, एम के बारे में पूछा जा रहा है कि इस एच से किस प्रकार संबंधित है। आइए एच से नीचे आइए, एच की पुत्री का पति, किसी की लड़की का पति क्या होता है, सनिल्ला, सनिल्ला जिसको बोलते हैं दामाद। ओके, अभी मूव करेंगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड फोर्थ क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट यही रहेंगे लेकिन कुछ दूसरे तरीके का भी एक प्रश्न पूछा जाता है, सो अभी मूव करते हैं। सो ये फोर्थ क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट सेम सिंबल जो अभी हमने पिछले तीन क्वेश्चंस किए, लेकिन क्वेश्चन ये बिल्कुल अलग है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स सी इज ग्रैंडसन ऑफ ए, निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ है कि सी ए का पोता है, चार में से किसी एक से डिनोट हो रहा है कि सी ए का ग्रैंडसन है। तो हमें फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी इनकी, तभी हमको पता चलेगा, लेकिन चारों की फैमिली ट्री अगर हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो हम इलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, इलिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सबसे पहले आप पता कीजिए कि सी का जेंडर क्या है, सी ए का पोता है, सी जो है एक मेल कैंडिडेट है, चारों में से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मेल सी कहाँ कहाँ पे है। आप ध्यान से देखिए, सी को मार्क कीजिए जल्दी से, सी 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 सी, सी के आगे सिंबल क्या लगा हुआ है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब देखिए क्या है, परसेंटेज का मतलब है डॉटर, परसेंटेज का मतलब है डॉटर, तो सी डॉटर हुई डी की, लेकिन सी क्या है, एक मेल कैंडिडेट है, इस वजह से ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसको देखिए, सी, सी के आगे सिंबल क्या लगा हुआ है, एट द रेट, एट द रेट का मतलब है पति, हस्बैंड, हस्बैंड एक मेल कैंडिडेट होता है, इस वजह से इसको आप पिक्चर में अभी रखेंगे। ओके, यहां पर देखिए सी के बाद क्या सिंबल लगा हुआ है, डॉलर, डॉलर का मतलब है मदर, मदर एक फीमेल कैंडिडेट है, ये भी खत्म हो गया। सी हमें चाहिए मेल, हम इलिमिनेट कर रहे हैं ऑप्शंस को पहले जल्दी जल्दी। सी के बाद एट द रेट, एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, हस्बैंड होता है एक मेल, इस वजह से इसको भी पिक्चर में रखना है। अब तो क्या आपको दोनों की फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, एक की ही बनानी पड़ेगी। मान लीजिए आप इसकी बना रहे हैं, इसमें आपको आंसर मिल गया कि जो है सी ए का पोता है, तो ये करेक्ट हो गया, ये तो अपने आप गलत हो गया। अगर आपने इसकी बनाई और सी ए का पोता नहीं निकला तो ये गलत हो गया, तो ये ऑटो में सही हो गया, आप इसको करेक्ट कर देंगे, दैट्स ऑल। तो किसी भी एक की बना लीजिए, चलो हम इसको बनाते हैं। ओके, यहां पर देखिए ए डॉलर बी, तो इस डॉलर का सिंबल क्या है, मदर, ए इज मदर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी। ओके, आगे देखिए बी और सी के बीच रिलेशनशिप, बी और सी के बीच में हैशटैग, हैशटैग का मतलब है फादर, बी इज फादर, बी इज फादर किसके, सी के, बी इज फादर ऑफ सी। ओके, अभी देखिए सी के बाद क्या है, एट द रेट लगा हुआ है, एट द रेट का मतलब क्या है, हस्बैंड, सी इज हस्बैंड, तो इनका जेंडर मिल गया, हस्बैंड किसके हैं, हस्बैंड डी के, तो डी हो गई आपकी वाइफ इनकी। सी ए का पोता है, सी यहां पर आपको दिख रहा है, ए यहां दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, सी एक मेल कैंडिडेट है और ए का पोता है, इस वजह से आपका डेफिनेट आंसर हो गया बी, इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम इन वाले क्वेश्चंस को इलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक, तब तक अच्छे से रहिए, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।